सो ये वाज़ द यूट्यूब फैमिली, दिस इज योर बॉय स्टार व्लॉग्स, वेलकम बैक टू माय वन एंड ऑसम वीडियो। सो गाइस, जैसा आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम पहाड़ पे जा रहे हैं और फोटो शूट्स और वीडियो शूट्स वगैरह करना है। ये मेरा फ्रेंड्स मनदीप, आपने इसको बहुत सारे मेरे व्लॉग्स में देखा होगा। और हाँ, तो चलो चलते हैं। इतने चढ़ाई में हालत ख़राब है, ये देखो चेहरे पे पूरा पसीना ही पसीना हो रखा है। और अभी तो हम लोग आधा दूर भी नहीं आए, अभी जहाँ पे मेरा फर्स्ट व्लॉग बना था उसका इंट्रो, अभी वहीं तक पहुँचे हैं और अभी आगे देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। सो गाइस, जैसा आपको पता होगा, जो पेड़ डेसीडियस ट्री जिनको कहा जाता है, वो गर्मी के मौसम में आते ही वो क्या करते हैं, अपना जो भी लीफ होता है गिरा देते हैं कि उनके अंदर जो मॉइस्चर वाटर है वो बचा रहे। और ये देखो, ये देखो ऊपर ये जो प्लांट दिख रहा है दोस्तों, ये भी डेसीडियस प्लांट है और इसने अपना पूरी पत्तियां जो है गिरा रखी हैं। ऑलमोस्ट लगभग कुछ ही बचे हैं अभी, जो वो भी सूख ही चुके हैं और वो भी कुछ दिन में गिर जाएंगे। और ये अभी ठंड का मौसम है महाराष्ट्र में, मुंबई में, और अभी से ये सब जो डेसीडियस प्लांट हैं गर्मी के कारण पूरे अपने पत्ते गिरा चुके हैं। तो फाइनली हम आधी दूर पर पहुँच चुके हैं और ये तो हम कभी व्लॉग में एक्सप्लोर किए नहीं है। और सांस पूरा फूल रहा है, पीछे सनसेट हो रहा है। रुको, मैं फोकस वहाँ करता हूँ, प्रोबेबली आपको दिख रहा होगा। वेट अ सेकेंड, नहीं दिख रहा गाइज। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं टॉप पर, वी आर ऑन द टॉप गाइज, और यही होता है हमारे लिए जन्नत। और पीछे पहाड़ ही पहाड़, और थोड़ा ड्यू है, उतना साफ दिख नहीं रहा है जैसा कि हमें गर्मियों में दिखता है, और सनसेट भी नहीं दिख रहा है हमें बट अभी। और ये देखो, और पीछे जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो भी घर्स वगैरह हैं, आपको उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और यहाँ पे है ये हमारा जीवदानी टेंपल माउंटेन, इसी पहाड़ पे हमारी जीवदानी माता हैं, जो लोग जानते होंगे कमेंट में जय माता दी लिख देना। और विरारिष्ट में है यह ऑफकोर्स। सो गाइस, बहुत गर्मी लग रही थी और ये कपड़ा भीग चुका है, और अभी हम हवा ले रहे हैं एकदम, आपको ऑडियो आ ही रहा होगा हवा का, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, एकदम जन्नत, एकदम सुकून लग रहा है। और यहाँ देखो नीचे, और ये देखो पीछे, ये फोकस, वेट अ सेकेंड, लेट मी शो यू, ये दिख रहा है चांद ये मेरे कंधे के ऊपर, और जस्ट अपोजिट में सन है, बट बिकॉज ऑफ क्लाउड्स एंड फॉग इट कांट बी सीन। और अभी बहुत आनंद आ रहा है, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। सो अभी हम व्यू इन्जॉय करते हैं दीप अपना शूट करते हुए, और हम बकैती करते हुए यहाँ पे आपके साथ। मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओ लिए जा, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई। इफ यू आस्क मी व्हाट इज हेवन फॉर मी, सो हेवन फॉर मी इज नेचर। It could be waterfall, it could be a huge mountains, it could be rivers or rivers related sports like rafting and etc. etc. and trekking. All is my favorite and all I consider in heaven. So I just love it in nature, everything, even its animal, चाहे वो animal हो और चाहे वो कोई भी living thing हो, plant जो भी हो, आई जस्ट लव इट। और ये जो है ना वर्ड्स, ये यहाँ से आ रहे हैं, हार्ट से। और अभी नेचर में आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, जस्ट गेटिंग सो मच इमोशनल टुवर्ड्स दिस नेचर, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड टू यू नो स्टे हियर इन नालासोपारा एंड हैविंग सच अमेजिंग व्यू एंड नेचर। और बहुत पसंद है मुझे यहाँ का जो नेचर है, और ये जो नेचर है ना, आपको सिखाता है कि आपको परिस्थिति के हिसाब से चेंज होना पड़ता है, जो नेचर के एडाप्टेशन है, जैसे कि हमने व्लॉग में अपने देखा था जो हमारा डेसीडियस प्लांट होता है, वैसे हमें जीवन में भी सेम एडाप्टेशन करते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे पलों के साथ रहना चाहिए, और हर कंडीशन में अपने आप को, हर सिचुएशन में अपने आप को चेंज करना चाहिए। और बहुत हैप्पी लग रहा है, मेरा मूड सच में आज ठीक नहीं था, प्रैक्टिकल दे के आया था, और यू नो इन केमिस्ट्री लैब व्हेन योर लैब असिस्टेंट डिजेंट ट्रीट यू लाइक हाउ यू शुड बी ट्रीटेड,
सो व्हाट द फ्रस्ट्रेशन शुड बी योर। सो या बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, और अभी अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट, ये देख लो आप पूरा लाइट्स जल चुके हैं पूरी सिटीज़ का। दिस इज़ द व्यू एट नाइट गाइस, और ये हम पहाड़ पर है और ये पूरा हमारे सिटी का व्यू है, और बहुत प्यारा लग रहा है इन द सेंस, मतलब कांट, मतलब मैं वर्ड बोल नहीं सकता कितना अच्छा लग रहा है रियल आँख से देखने में। वैसे कैमरा में तो उतना क्लियर नहीं आ रहा है, मेरा ख़राब सा कैमरा सस्ता वाला, बट या इन रियल बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं, आपको मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा होगा, और अभी हम जा रहे हैं घर पे अपने, और बहुत वीडियो बहुत अजीब सा दिख रहा है, और ये देखो फ्लैश लाइट अभी चालू है, हम फ्लैश के भरोसे ही जाएंगे, और बहुत अच्छा लग रहा है यार, जस्ट अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक वाओ, बहुत मज़ा आ गया। मतलब आज यहाँ पे आके एक नया फियर अनलॉक हो गया, साथ में एक नया व्यू देखने को मिल गया, और ये मेरा दोस्त मनदीप, मनदीप थोड़ा अच्छे से अपने चेहरे पे लाइट कर, चेहरे पे ये देखो, ये हमारा सेल्फी स्टिक और ये मनदीप। जस्ट गाइस ये मनदीप की वजह से मैं इतना अच्छा व्यू ले पा रहा हूँ और इतना मज़ा आया, सच में बता रहा हूँ। ये देखो साथ में हमारा चंद्रमा भी साथ निभा रहे हैं आज का, मतलब क्या बताऊँ, मेरा शाम इतना बेस्ट गया, आई कैन नेवर फॉरगेट इट, और ये व्लॉग में सेव भी रहेगा, जस्ट लव्ड इट गाइस। Thank you.